बिस्मिल्लाह रहीम अस्सलामु अलैकुम जी की हाल चाल सारे दे अज तुहाडे नाल शेयर करांगे जी साडी सर्दियां तो आन दी पहले दी रूटीन ठीक आ क्योंकि सर्दी गर्मियां आंदियां ना गर्मियां दे विच जदों आंदा है ना पतझड़ ते बारिशां दा मौसम ठीक है ते बारिशां तो बाद किचन वगैरह जिथे मट्टी दी लिपाई वगैरह हुंदी ने ते ओह जगह सारी ना खराब हो जांदी ते सर्दियां आन तों पहले पहले ना ओह सारी रिपेयरिंग करनी हुंदी क्योंकि सर्दियां च बारिशां ना कम हुंदियां ने सर्दियां तों पहले पहले फिर असीं करदे हुंने आ जी सारी रिपेयरिंग वगैरह मसन जी बारिशा ना खराबी खरूबी बनती है ना वह मसन सारी ना रिपेयरिंग कर देना साडा घर तो माशाला पक्का भी है लेकिन जो थोड़ा बहुत साडा कच्चा घर है ना उनकी जी असं सफाई वगैरह या रिपेयरिंग वगैरह करते होंने और एक मसला है बेगम साहबान मैं क्या मैं कहते थे जेड़ा है ना पोचा मार दे मैं क्या डब खड़ब्बा लग्या काफ़ी दिन हो गए लिपाई की मैं कहते थे ना पोचा मार दे बेगम साहबान ने पता की किया अंदर पोचा मारते आ दे हुण केड़ा बुरा लगता उन्हें हुण देर करदा फिर सारा बंदा पोचा मार दे सारे नूं मार दईए मैं क्या तेनूं ए दीवार सी मैं क्या ए वाली दीवार जिहड़ियां पोचा मारते मैं इंज नूं गया मैं वह मट्टी वगैरह जिहड़ी ने कल भिगोई है कल नहीं भिगोई हुण भिगोई है झूठ नहीं मारना चाहीदा सुबह कल भिगोनी सी टाइम नहीं लग्गिया तो हुण ना मट्टी वगैरह भिगोई है टप दे विच और मैंने लगता मज जिहड़ा मूँह मारिया देखो भिगो के रखी क्योंकि ना थोड़ी बहुत जितने लिपाई वगैरह करनी ना रिपेयरिंग वगैरह वो फिर करांगे दो दिन भिगो रखी ना तो फिर जाके नरम होगी फिर इन लिपाई ठीक होगी मैं उधर है तो बेगम साहबा ने ना इधर मारता पोचा चलो कोई नहीं खैर उन्हें पूरी तोड़ तक दीवार ही ला दे तू डब खड़ब्बा ज लगता पे ना वो अजीब जहा महसूस हो रहा बिच होर कलर है होर कलर है उधर होर कलर है रंग बिरंगी बना दिते ये पोचा इस करके मार रहे हैं जी छोटिया छोटिया दराड़ा नज़र नहीं आ रही पोचा मारांगे ना तो ये दराड़ा जी निकिया निकिया बरीक बरीक होंदिया ना ये खत्म हो जाएं इस करके पोचा मार रहे हैं ए देखो ए जगह किवें लगती पी है ए जगह ए जिनी क माड़िया मोटिया है दराड़ा वगैरह ना बंद होंदिया जाएँ ऐटोमैटिक माड़ी माड़ी मिट्टी पै जाएगी पोचे वाली तो बंद हो जाएगी चलो सही है तू मार है हूँ ए परली दीवार से मार दे है कि बेगम साहब ने रोकया तो चलो हूँ मार दी परले भी मैं जो चूल्हा बनाया सी ना उन्होंने अज करना है जी कंप्लीट कलर वगैरह करके कलर वगैरह मैं बाहर क्ढे ने वह पे होने ठीक है कलर वगैरह मार के अज कंप्लीट करके बेगम साहबा के हवाले कर दें क्योंकि अलहमदुल्ला धुप ना काफ़ी तेज़ निकलती है तो चूल्हा जोड़ा है ना खुश हो गया अलहमदुल्ला हेठा ही निरा गंद जहा मारी जानी चलो तो लाँगे इन्नी सफाई वगैरह क्यों होंगी पी आ तुम मैं ना मोबाइल चाह के ना दसना क्योंकि मैनू ना काफ़ी सारे परसनल जोड़े मेरे पुराने भैन भाई देखने वाले ना तीन चार चार साल पहले दे मैं कहते कि नवाज भाई पहले तुम ना मसन सफाई रखते सी किचन पोचा वगैरह मारते किचन काफ़ी खूबसूरत सी तो हूँ जोड़ा है ना तुम बिल्कुल ना सफाई नहीं रखते तो ना ही पोचा वगैरह कर पोचा तो मारे ही कदे नहीं उमें वेखो ना दाग वगैरह लगे हुए जिमें कि तंदूर का काला जो निशान जहा भी तो बड़े बुरे हाल जो होए हुए ने पता नहीं सानू शौक कट गई है पता नहीं की रोला है लेकिन ना मैं अखीरी आख मैं चल यार पोचा वगैरह तो मार दी है ना वो तो साडा फरियाँ च है ना पैसे कोई नहीं लगते इवें ना हाँ क्योंकि मट्टी करती है तो रंग भी समझ लो कि करता ही हो गया ना अपने हाथ नहीं कुछ असी पहले भी सोचा हुआ सी कि अपना किचन बेहतर बनाना लेकिन कुछ जो सानू पुराने देखने वाले भैन भाई ने ना उन्होंने देखो बकायदा साढ़े जो पुराना किचन है ना उनकी वीडियो वगैरह भेजिया ने कि तुहाडा पुराना किचन किन्ना प्यारा सी वाकई साडा पुराना किचन काफ़ी प्यारा किचन असी पहले नाल ज़्यादा प्यारा बनाना है मसला सिर्फ इस गल दा कि टाइम नहीं लगता पा मज रख ली बच्चे माशाला काफ़ी सारे हो गए बच्चे वड्डे हो गए स्कूल हुण जांदे ने मसलन जिम्मेदारियां वध गईयां ने इस करके पोचा जिहड़ा ना खुशकी हो गया बेगम साहब रोटी वगैरह पकाउण लग गई है और मैं ना ए साइड जिहड़ी ना मैं पालिश कर दित्ती है रंग तरह मारी हो किसे दिन बुरश ना दे बुरश ने पोचा मारिया कि जबरदस्त लगता पैं लगता पे जिम्मे रंग लगी थोड़ी बहुत ही सैटिंग वैटिंग रह गई बाद करने क्योंकि बच्चे आ गए सी स्कूल चो तो इन्हों के हूँ ना नाश्ते पानी का बंदोबस्त हो रहा सब तो पहले अज पकाया की है आलू तो मटर माशाल्लाह क्या बात है आलू तो मटर बस सही है प्यारा बाद वेख लें और ताज़िया ताज़िया पकड़ी तंदूर दी रोटियां और मैं हाले हूँ हाथ उत्थ धो के आया मैं जोड़ा है ना मट्टी अगली तो इस्तेमाल कर ली सी सारी तो मट्टी दोबारा फिर भिगो के आया गो के रख दी है
थोड़ी देर ठहर के ना गोने दोबारा गो के फिर जगह इतने इस्तेमाल करनी जिथे थोड़ी बहुत लिपाई या रिपेयरिंग है ना वो करनी है। और है देख ए पीछे पीछे फिर आए खड़े बेगम साहबा किचन का एक ना नव डिजाइन सोची बैठी है तो मैं फिर वक्त पाओ। बेगम साहब कह रही कि इतने जो है ना परछत्ती बना भी इंज करके अच्छा किवें करके इंज करके कि इंज कर सीधिया किवें करके परछत्ती त्रिकोण जिया के सीधा ही कर इंज ते इंज अच्छा अच्छा कोठी अच्छा 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 कोठी इस तरह इस तरीके चलो ठीक है थले विच करके बन सेने परछतियां मैं क्योंकि मैं लिपाई करू सी ना हूं हाली जगह तो अगे इन दिन दरवाजे वगैरह भी लाने इस जगह पर क्योंकि होर कुछ नहीं तो मुर्गे रखा हाँ खुडा जो है ना मुर्गिया वास्ते बनाया से उदले मुर्गे जैसे रहेंगे अगे इन दरवाजा इनकी लिपाई मुकम्मल करके ना इन रिपेयरिंग वगैरह होने वाली ना काफ़ी सारी की कोई नहीं है तो इनकी तो सैटिंग वैटिंग करके तो उपर वाली साइड तो बेगम साहब के रिंगीठिया बनानिया तो थले वाली साइड तो जो है मुर्गे रखा बारी ला मैं तो सोचा मैं कला जहाँ काम कर लगा लेकिन बेगम साहबा की हेल्प की जरूरत ना जरूर पी है। बेगम साहबा कर रही है मिट्टी वगैरह सीधी पदरी गो गो के यानी मिट्टी वगैरह बना के मैंने दिखती जा रही है तो सूरज बिल्कुल गरूब हो गया मट्टी आई पई है मैं थोड़ी बहुत ना सफाई उतरों उपरों जी ने की क्योंकि ना ए वेखो ना अगले जी लिपाई सी ना उपरों ने पट दी है ठीक है तो ए अगली पई हुई है तो उपरों दोबारा माड़ी माड़ी ना लिपाई करते हैं बिस्मिल्ला पानी छिटिया क्योंकि ना नाल जम जाएगा बिस्मिल्ला रहमान रहीम करते हैं जी काम शुरू। और बाकी अगला जो पोचा वगैरह मारा से खुश्क होया पे हूँ इको जहा हो गया अगर डब खड़ब्बा होया हो ना हूँ इको जहा हो गया एनू करनी है सैटिंग वैटिंग हाले इन पोचा वगैरह मारना इस साइड तो असं पोचा मार दिता है ए देखो इनका कलर तुम होर नज़र आ रहा होगा पोचा मारे इसका कलर होर नज़र आ रहा होगा तो इनकी लिपाई करनी है लिपाई करें पोचा मारना देखो ना ये दराड़ा वगैरह काफ़ी ना थोड़ा बहुत सैटिंग वैटिंग इनकी खराब हुई है बारिश ने लेकिन कोई गल नहीं इनू पोचा मारता ना तो सैट हो जाएगा तो सुबह इंशाल्लाह उपर वाला जो डिजाइन है ना वो लिपाई कर बिल्कुल रात हो चुकी है हूँ मुँह हर धो के आया एक तो बच्चे जगे ना खपाई खड़े ने अच्छा हम बच्चे की चाहिए जी दसो चलो जी लिपाई वगैरह बंद कर दी है और लिपाई वगैरह वाह वाह सारी की है सुबह तुम विखावे हूँ तो बिलकुल अंधेरा हो गया बल्कि इतना नजर आ रहा वह उत्थे तक हुई है सारी को ना तो मसला इस गल का बन गया कि बिजली शरीफ जी यानी बिजली ठीक है वह चली गई है तो हूँ पता नहीं अल्लाह खैर करे कद कद साडा तो जी किस्मत ही खराब ऐसी है साढ़े पिंड की किस्मत खराब है कि साड़ी किस्मत मतलब कि पिंड की किस्मत खराब है साड़ी किस्मत खराब होंगी तो खाली साढ़े से बिजली जाती है तो मसला तू चाय बना रही मसला इस गल का कि हूँ हो सकता है कि चाहे दो दिन बिजली ना आवे चाहे तीन दिन बिजली ना आवे कोई सुर पता नहीं है ते लगन पता ही कोई नहीं लग्या कि बिजली हैगी सी कोई नहीं असी लाइटा चलाई रखिया ने ते पखे भी चले रहे ने ते यूपीएस भी एंड ते खड़ा होया अगर हुणे ना बिजली चली गई ते सारी रात अंधेरे दे विच सोना पेगा साडे ले कोई एमरजेंसी लाइट वगैरा भी कोई नहीं है हाँ ए भी मसला लाइट वगैरा भी कोई नहीं है ते काफी ज्यादा टेंशन परेशानी वाली गल बन गई हाँ जी समझो बच्चे अच्छा मैं फिर चला बच्चे की आंदे नु लैवा क्योंकि हाँ, बच्चे कह रहे ने के अब्दुल रहमान नाल ही ले जा क्योंकि उन पता न जे शा लेनी है या तो उन को लिखवा ला है सही उन ना लेके जा ये लिखवा ला उन पता होनी है ना चीजा लेनी है ना जरूर फिर दे तैन पता नहीं इनन की लेना हाँ चलो जी चलते हैं पहले शहर से वापसी से आके फिर रोटी पानी तो कर रहे हैं रोटी पानी तो दोपहर टाइम खाई सी वैसे राज क्या अलहमदुल्ला तो भुख वगैरह फिर भी लग जाए थोड़ा बहुत काम वगैरह किया हाँ बेगम साहबा दस सही लिपाई आँगी पी हाँ देखो ना बल्कि सुबह ही तुम विखावे सुबह हाले कंप्लीट करा इनशाला सुबह कोशिश करा कि सारा का सारा काम ना खत्म कर दे इनशाला क्योंकि हूँ खराब हो ना तो चल के आवन वाली जो बारिशा बुरशा कदे हुई मेरे ख्याल सर्दियों बारिशा आदि ने कि गर्मियों आदि
हां माल्टियां दे मौसम च होंदे जदों किन्नू माल्टे वगैरह चले होंदे ना उदों मेरे ख्याल जड़ियां वगैरह लगदियां ने। हां जी या तो शुरुआत च ठंड दे ते या शुरुआत गर्मियां दे विच इस तरह बारिश होंदी। गर्मियां दी शुरुआत ते सर्दियां दी शुरुआत ने सर्दियां जदों जांदियां ने ना। हां जी उदों भी बारिश होंदी ना पर गर्मियां होंदियां ने। हां ते हुण सर्दियां चलो अल्लाह खैर करेगा एक अद्धी बारिश तो दो चार बारिशों का बर्दाश्त हो जाएगी लेकिन रेगूलर इस बारी बारिशा माशाल्लाह होनी ही काफ़ी सारिया ने लाइट्स वगैरह तो काफ़ी सारिया जीडिया ना ना करो ना करो ना करो उत्ते प्यारा इन्हें उत्ते मैं पाया परदा ये शोर इन्ना ज़्यादा करते हैं ना इन्हें उत्ते मैं पा दिता मैं इतने हूँ सुकून सानू वेख वेख के बोलती रखते हैं और आ जाओ हूँ और आ जाओ ना करो ना उन्होंने तंग करो इधर आ जाओ सौन दो उन्होंने सुकून ना सौन दो चल आ जाओ चोरी साहब चलिए मिनट ला मेरे को टाइम कोई नहीं है मोटरसाइकिल की चाबी मेरे ख्याल बेच ही होनी बिजली गई हुई आ और देखने किन्ने बजे आती अल्लाह खैर करेगा हाले असी शहर निकलन लगे हैं तो बिजली जड़ा है ना आ गई आ जी 9 सेकेंड 7 सेकेंड 6 सेकेंड 25 सेकेंड का जड़ा है ना टाइमर लग्या होया पंखा चलेगा लंघिया चले पंखा बंद किया मेरे ख्याल बच्चों समान लिया के दे दिता ये कह रहे थे साढ़े पेपर ने सगो एक पेपर वाले गत्ते वगैरह अब्दुल हादी साहब सो गया और मेरे ख्याल बेगम साहबा पट्ठे वगैरह कुतर रही होनी कि कुतर लै ने क्योंकि अगर बिजली कोई नहीं सी। हाँ जी पट्ठे वगैरह कुतर लै सो तो हूँ देरी अद्धी राती जाड़ो गुना नहीं डींदा अद्धी राती कोई नहीं थले कुतरे ना की होंगे मैं मज कोई गलती भी कुतरे ना नहीं कुछ नहीं होंदा अद्धी राती झाड़ू ना दे कुछ नहीं कुतर लेनी पट्ठे हां बस आ रखे सुबह का हुन सुबह इन घर में कई ला के आ ताकि जेड़े अगले पट्ठे पहन ना वो खा लेवे मां सुबह मैं सुबह मैं जावांगा कल्ला अच्छा पानी वाला पैसे ला गया सी कोई नहीं नहीं कोई ला गया सी कोई ला गया आज ते सुबह सुबह जेड़ा हैगा ना गोश्त भाई साहब जेड़ा हैगा ना बॉयल हो रहा है बाकी बाकी रह गया बाकी जी अज काफी ज्यादा समझ लो कि टेंशन सुबह सुबह बनी है मैं सुबह 5 बजे का उठा हुआ टेंशन की बनी है वो तुम दस बिस्मिल्लाह रहीम अस्सलाम वालेकुम जी गुड मॉर्निंग की हाल चाल है सारे सुबह तो मैं तकरीबन 5 बजे तक उठा हुआ सुबह सुबह टेंशन की बनी है वह बल्कि तुम मैं दिखाना सुबह सुबह हाफिज शायद स्कूल मसल स्कूल वैन आए का जरा ना मैसेज आया कि नवाज भाई आज हम साहिवाल नहीं जा रहे हमारी फौतगी मसल उन्होंने को फौतगी हो गई अल्लाह पाक जन्नत फरदौस जगह ता फरमावे जोड़ा भी उन्होंने फौत हो तो फिर स्कूल वैन आला तो गया कोई नहीं सुबह सुबह 5 बजे मैं उठा ब्लाग बनाव चक्कर में कोई नहीं सी ना बच्चों जोड़ा है ना साहिवाल तोड़ स्कूल छड़ के क्योंकि उन्होंने पेपर से रात में तुम वेख्या होना कि मैं उन्होंने वास्ते समान वगैरह लैन का सी ठीक है तो हूँ तकरीबन टाइम होया खड़ा बच्चों ने 12 बजे किया सी ना हाँ 12 बजे बच्चों ने कहा सानू हो जानी छुट्टी जी पेपर हाँ तो आ के लै लेना तो हूँ टाइम तकरीबन होया खड़ा है मेरे ख्याल ना 11:15 11:30 हाँ 11:25 हो गए तो 12 बजे मैं बच्चों ने लैना वो तकरीबन अद्धा घंटा लग जाना साहिवाल जाते जाते तो चलते हैं सब तो पहले बच्चों लैके आने गोश्त उपर बोयल हों पे वापसी दे आते हैं तक जरा ना की बना रही है बिरयानी बरूनी के सालन पकाना है जी सालन बना लेंगे सालन रोटी जी चलो फिर टाइम नहीं पका ला क्योंकि बच्चों नू टाइम ना लैके आज तकरीबन असी इंशाल्लाह इंशाल्लाह 12:30 तक इतने पहुंच जावे अच्छा गोश्त मैं लैके आंदा उधरों शहरों साहिवाल च क्योंकि सुबह सुबह गया सी ना ते रस्ते विच काफ़ी जगह तो आया मैं चल आज ना गोश्त लै जाइए वड्डा लैके आंदा पता नहीं हुण वछे दा है कि कट्टे दा ये नहीं पता लेकिन बड़ा गोश्त है मट्टी नू उपरों ना ढक के रख दिता कल ना मट्टी वगैरह तो गोह ली सी ऐ देखो हाँ ए हाले पई हुई है मट्टी इन्हें मट्टी तो जी काफ़ी सारी पई हुई है लेकिन वापसी तो क्योंकि सुबह मैं निकल गया से उधरों तकरीबन मैं वापस आया 9 बजे बच्चों ने छड़ के तो फिर जगना जा रहा 11:30 ठीक है तो रात में इन्नी सारी लिपाई की देखो ना कि जबरदस्त हो गया ए देखो तो ए देखो हाँ खुश हो गया होर प्यारा लगेगा तो खुश हो गया जो इन उत्ते आले फुल भी बनाने ने जिस तरह वो बने हुए हैं देखो ठीक है ये तो पिछले साल बनाया सी लेकिन इन्हें उत्ते फुल वगैरह ही बनावे तो इस तरीके ना
ਪੂਚਾ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੇ ਪੂਚਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਰਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਖਲੀ ਪਾਈ ਕਰ ਦੇ ਥੋੜਾ ਬੋਤਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਾਣਾ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਲਣ ਤੋਂ ਪਕਾਣ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਵੈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਈਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੁਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇਖੋ ਟਮਾਟਰ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਰੰਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਤੇ ਗਾਜਰਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਔਰ ਪਿਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੋ ਦਣੀਆਂ ਟਮਾਟਰ ਔਰ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਅੱਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸੇਵੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਸੇਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਚੱਕੀਏ ਆ ਜਾ ਬਈ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਮਿੱਠੂ ਪਤਲੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਠੂ ਪਤਲੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੋਟੂ ਪਤਲੂ ਮੋਟੂ ਪਤਲੂ ਹਾਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੇਬ ਵਗੈਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਸਤਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਤੇ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਨੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਟੂ ਪਤਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟੀ 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 ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਖਪਾਵਣਗੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਲਿਪਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਜ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਕੰਮ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵਲਾਗ ਅਪਲੋਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੈ ਵਲਾਗ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇਟਿੰਗ 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 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਵਲਾਗ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਅਤੇ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਸਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੂਣ ਖੱਟੀ ਮਿੱਠੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਗੰਦੀ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਇਹ ਰੱਜ ਪੁੱਜ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਮਾਲਿਕ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਲੀਲਾ ਹੀ ਅਲੇ ਰਾਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਨਾ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸੀ ਸਭ ਠੀਕ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਨੈੱਟ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿਓ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਪੈਕੇਜ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸਮੇਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਵਗੈਰਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੁਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਯਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਦਿਲ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਜਾਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ 'ਤੇ ਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋਏ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਪਿਆ ਸੀ